इस लेसन में मैं आपको कंपाउंड बार ग्राफ के बारे में बताऊंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि बार ग्राफ कैसे बनते हैं और वर्टिकल बनते हैं, हॉरिजॉन्टल बनते हैं। जब आप अपने डाटा को कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं तो उस वक्त हम बार ग्राफ बना सकते हैं। अब हम कंपाउंड बार ग्राफ बनाते हैं, और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कंपाउंड बार ग्राफ होता क्या है। अ कंपाउंड बार ग्राफ is useful to express two or more quantities on one chart. अगर आपने एक ग्राफ में दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, उनको एक्सप्रेस करना है, तो आप कंपाउंड ग्राफ बार बना सकते हैं। द क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ द बार चार्ट अलाउज फॉर कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज, बट कंपेयरिंग मैनी डिफरेंट क्वांटिटीज इट मे बी यूजफुल टू कलर द कोड द डिफरेंट बार्स फॉर इजी कंपेरिजन। वॉट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप बार ग्राफ बनाते हैं और आपके पास दो या दो से ज्यादा चीजें हैं जिनको आपने कंपेयर करना है अपने ग्राफ में, तो ये बहुत अच्छा आइडिया होगा कि आप उनको डिफरेंट कलर्स दे दें। उसकी वजह से आप बहुत इजीली बता सकते हैं, अपने डाटा को इजीली अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। बार ग्राफ कैन बी यूज टू कंपेयर डाटा फॉर टू और मोर ग्रुप्स। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है, सपोज ईयर 1970 में गर्ल्स 40,000 गर्ल्स जो स्कूल नहीं जा रही थी, बॉयज 35,000 स्कूल नहीं जा रहे थे, और ये फिगर्स थाउजेंड्स में है, मैंने 40-35 करके लिख दिया है। आप किसी कंट्री की भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज की यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी कंट्री है, मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी। 1980 में सपोज 35,000 गर्ल्स स्कूल नहीं जा रही थी और 27,000 बॉयज गर्ल्स नहीं जा बॉयज स्कूल नहीं जा रहे थे। तो इसी तरह देखें, ये कंपैरिजन है, ये ईयर है और यहाँ पे बॉयज का और गर्ल्स का कंपैरिजन है कि कितनी गर्ल्स स्कूल नहीं जा रही थी और कितने बॉयज गर्ल्स स्कूल नहीं जा रहे थे डिफरेंट ईयर्स में। इसको हमने ग्राफ में शो करना है, और मैंने आपको बताया कि आपने दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को जब कंपेयर करना है तो हम कंपाउंड बार ग्राफ बना सकते हैं। बहुत ईजी है। पहला स्टेप क्या है, याद रखें कि पहले अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कोई आप फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने डाटा को सिलेक्ट किया, फिर कहाँ जाना है, आपने किस टैब पे जाना है, इंसर्ट पे जाना है। अगेन मैं बार बार ये इसलिए कहती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि चार्ट और ग्राफ जो है वो इंसर्ट से आपको मिलेंगे, इंसर्ट टैब से मिलेंगे। इसमें ये चार्ट्स का एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में देखें यहाँ पे आपके पास डिफरेंट है, ये कॉलम बार चार्ट भी है, बार चार्ट ही हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंट है आपके पास लाइन चार्ट, पाई चार्ट। लेकिन अगर आप रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे हर किस्म के ग्राफ इजीली मिल जाते हैं। ऑल चार्ट पे क्लिक कर दें। अब आप देखें आप क्या बनाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे बार चार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्लिक करें बार पे। जब आप इस पे आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंट पैटर्न नजर आएंगे। हमने कंपेरिजन करना है तो आप इस पे क्लिक कर दें क्योंकि दो का कंपेरिजन है, और ओके करें। देखें, और इसको फोर हेडेड एरो जब आएगा तो इसको जहां आप चाहें अपनी पसंद से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि जब दो का कंपैरिजन हो तो बेटर होगा कि दोनों की आप कलर डिफरेंट कर दें। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखें ये नीचे लेजेंड भी बना हुआ है कि ऑरेंज वाले जो हैं ये बॉयज हैं और ब्लू हैं जो गर्ल्स हैं। यहाँ आप इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 1970 में गर्ल्स कितनी है, देखें ये 40,000 को टच कर रहा है, तो 40,000 गर्ल्स स्कूल नहीं जा रही थी, बॉयज 35,000 नहीं जा रहे थे। इस तरह आप 1980 का देख लें कि 1980 में 35,000 गर्ल्स स्कूल नहीं जा रही थी, और बॉयज कितने थे, बॉयज आपके पास हैं 20,000 जो स्कूल नहीं जा रहे थे, सॉरी 27,000। सिमिलरली हम 2010 में आते हैं, 2010 में 10,000 गर्ल्स स्कूल नहीं जा रही थी और 5,000 बॉयज नहीं जा रहे थे। ये कंपैरिजन है बॉयज और गर्ल्स का जो हमने इस ग्राफ बार ग्राफ पे शो करके दिखाया, और इसको कहते हैं कंपाउंड बार ग्राफ। कंपाउंड बार ग्राफ क्या होता है, एक दफा दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने दो या दो से ज्यादा चीजों को जब कंपैरिजन करना होता है तो आप कंपाउंड बार ग्राफ बनाते हैं। इस वक्त ये हमारा चार्ट सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी आप देखेंगे कि यहाँ पे नए टैब बन जाएंगे। देखें, चार्ट टूल्स डिजाइन और फॉर्मेट, दो आपके पास नए टैब आ गए। आप डिजाइन पे चले जाएं, डिजाइन से आप जो डिजाइन चाहें, जिस तरह अपने ऑडियंस को शो करना चाहती हैं, इस तरह शो करना चाहते हैं, ऐसे शो करना चाहते हैं। अगर आप इस पैटर्न में शो करेंगे तो देखें यहाँ लिखा हुआ भी आ जाएगा आपके पास के 5,000, 10,000, 20,000। ये अगर आप ऐसे कर लें तो भी आपके पास है। अगर आपको इनमें से कोई चीज नहीं पसंद तो आप यहाँ चले जाएं, डिफरेंट आपके पास स्टाइल है, और आप अंडू करके वापस इस पे आ जाएं। सिमिलरली यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ जाना है, इस ये शेड लेने हैं, अगर आपने ये शेड लेने हैं,
और आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं जो भी आप अपने ऑडियंस को दिखाएं, राइट. इससे बेटर होगा कि मैं लास्ट वाले को इसलिए प्रेफर करूंगी कि उसमें डिफरेंट कलर्स हैं, बिल्कुल ये एक ब्लू है वो बिल्कुल सेम मैच हो रहे थे, इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है. और यहाँ से आप सेम थिंग कर सकते हैं, एक्सेस टाइटल एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लिख सकते हैं. ये लेजेंड जो हमारे पास ऑलरेडी है, लेजेंड इसको कहते हैं कि जो कलर्स हैं, देखें यहाँ पे ये ऑरेंज बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर मैं इस लेजेंड को क्लोज कर देती हूँ तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, फिर आप यहाँ से देखेंगे क्या है. तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पे लेजेंड ले आए. एक कलर हो तो लेजेंड की जरूरत नहीं होती, दो और तीन डिफरेंट कलर हो तो लेजेंड को जरूर ले आए. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया.